फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बढ़िया रेसिपी के साथ हैं, वो है पानी पूरी। पानी पूरी तो सबको पसंद है और पानी पूरी को हम लोग बहुत लोग बताशे भी कहते हैं, गोलगप्पे भी कहते हैं और गुपचुप भी कहते हैं। चलिए आज हम पूरी बनाना घर पे सीखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट लिए हमने, एक कटोरी सूजी ली है और आधी कटोरी मैदा है और हमारा 2 टेबलस्पून पानी है। और ये सूजी हमारी महीन है, अगर आपकी महीन ना हो तो आप इसको पीस लीजिएगा। अब हम इसमें मैदा डाल लें, ये आधी कटोरी है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। अब आटे में पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि इस आटे को हमें थोड़ा कड़ा गूंदना है, बहुत ढीला नहीं गूंदना है। हमें आटे को बढ़िया से गूंदना है और खूब अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा जो डो है ना पूरी का बहुत बढ़िया तैयार हो। और जब ये अच्छे से हो जाएगा तब हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। देखिए कितने अच्छे से इसको इसी तरह रगड़ रगड़ के करना है ताकि बढ़िया से, देखिए इस तरह खिंचना चाहिए। देखिए इस तरह हम आगे रखते हैं फिर हम आगे की तरफ लेते हैं। ये देखिए आगे, ये देखिए इस तरह हमें इस आटे को मारना है। देखिए किस तरह हमें कस के इसको मार रहे हैं। देखिए हम पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डाल लें ताकि हमारा आटा गीला नहीं हो। देखिए कितने अच्छे से आटा हमारा मर रहा है। चलिए हमारा आटा रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा मड़ा है, बढ़िया चिकना भी हो गया। चलिए हमारा आटा कितने बढ़िया से हो गया, हमने इसको खूब कस के रगड़ के मारा। अभी इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा के आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधे घंटे हो गए हमारा आटा देखिए कितना अच्छा हो गया। हम इसको फिर से एक बार ऐसे हल्के से हाथों से कर दे रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया चिकना मड़ा है। अब चलिए हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। चलिए अब हम इसकी लोइयाँ काटें। लोई अब अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। पहले हम अपनी सारी लोइयाँ काट लेंगे। देखिए हमने सारी लोइयाँ काट ली। अब इन्हें हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे और 1-2 कपड़े लेंगे, एक गीला करके जिसको एक को नीचे बिछाएंगे, एक को ऊपर डालेंगे। जब हम पूड़ी अपनी बेलेंगे तो उनको ढक के रखेंगे। इस तरह हम उस कपड़े को बिछाएंगे। अब ये कपड़ा इसके ऊपर रख देंगे, ये गीला करके हमने लिया है। चलिए अब हम अपनी पूड़ी बेल गए। हम पूड़ी बेलते, पूड़ी हमें पतली बेलनी, आप थोड़ा सा ऑयल लगा के बेलिएगा ताकि वो चिपके नहीं। पूड़ी हमको देखिए पतली बेलनी है। पूड़ी बेलते समय ध्यान रखिएगा किनारे मोटी ना रहे, एक जैसी रहे ताकि वो बढ़िया से फूले। और हमें पतली पूड़ी बेलनी है। ये देखिए हमारी सारी पूड़ी बेल गई और इन्हें हमें ढक के ही रखना है। और अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हमारी कढ़ाई बढ़िया गर्म हो गई है। आप ये याद रखिए कढ़ाई बिल्कुल तेज़ गर्म होनी चाहिए कि ताकि हम पूड़ी जैसे ही डालें वो फूलने लगे। देखिए हमारी सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं और जब ये नीचे से हो जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे। ये हमने आज तेज रखी थी, अब 1 मिनट के लिए हम धीमी कर देंगे ताकि पूड़ी थोड़ी और बढ़िया से कुरकुरी हो जाए। हमारी सारी पूड़ियाँ कितनी बढ़िया से फूल रही हैं। ऐसे हम अपनी सारी पूड़ियाँ सेकेंगे। देखिए किस तरह हम डाल लें। अब ये जब थोड़ी सी लाल हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये पूड़ी हमारी सिक गई है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ियाँ सेक लेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि आज आपकी शुरू में तेज़ ही रहनी चाहिए। देखिए हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल कुरकुरी बनी है। चलिए हम अपनी सारी पूड़ी सेक लेते हैं। हमारी सारी पूड़ियाँ सेक से बढ़िया, देखिए फूले भी हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना। चलिए अब हमने पूड़ी बना ली है तो अब हम पानी भी बनाते हैं ताकि आज पूड़ी खाने का मज़ा आ जाए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए हमने पानी भी बना लिया, अब तो पूड़ी खाने का मज़ा बहुत आएगा क्योंकि हमारी पूड़ी बढ़िया कुरकुरी और खस्ता बनी है। और हमने इसके लिए मीठा पानी और तीखा पानी दोनों ही बनाया है और साथ में प्याज है। हमने पानी पूरी की रेसिपी पहले के वीडियो में भी डाली है। आपको मेरी पूरी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।